नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको हॉपर प्लगेज के बारे में बताने वाला हूं। हॉपर प्लगेज फॉल्ट क्या है और ये फॉल्ट आ जाए तो ESP का परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आप हमारा चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों ये जो हॉपर प्लगेज का फॉल्ट है, ये बहुत ही खतरनाक फॉल्ट है। अगर हॉपर प्लगेज आ जाए तो ESP खराब होने का, ESP डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो दोस्तों समझ लेते हैं पहले हॉपर प्लगेज क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ESP के हॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ESP का काम होता है आस को कलेक्ट करना और फिर उसको हॉपर के थ्रू डिस्चार्ज करना। सिर्फ आस कलेक्ट करने से नहीं होगा, आस को निकालना पड़ेगा। तो ये जो आस को निकालने का काम हम हॉपर के थ्रू करते हैं, यानी कलेक्टिंग प्लेट के थ्रू आस कलेक्ट होगा, फिर हम रैपिंग मैकेनिज्म के जरिए उसी आस को प्लेट से निकाला जाएगा। ये आस जाके हॉपर के ऊपर गिरेगा, फिर हॉपर से ये बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसा सिस्टम काम करता है दोस्तों, हॉपर से आस को रिलीज किया जाता है। तो मान लीजिए ये हॉपर प्लगेज हो जाए, यानी हॉपर परमानेंटली ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा आपका। ESP काम करेगा, कलेक्टिंग प्लेट के ऊपर आस कलेक्ट होगा, फिर रैपर के जरिए आस को निकाला जाएगा। लेकिन आपका अगर हॉपर पूरी तरह से ब्लॉक है तो क्या होगा, हॉपर धीरे धीरे फुल होने लगेगा और कुछ ही घंटों में हॉपर पूरा भर्ती हो जाएगा, कम्प्लीटली फुल हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका हॉपर का जो कैपेसिटी रहता है उससे ज़्यादा मटेरियल आ जाएगा, ESP को ऊपर ज़्यादा वेट आ जाएगा। तो दोस्तों किन किन रीजन की वजह से हॉपर प्लगेज आता है, यानी हॉपर ब्लॉक होने का क्या क्या रीजन हो सकता है। मान लीजिए कलेक्टिंग प्लेट का एक हिस्सा नीचे गिर जाए, डिस्चार्ज ओयर का ओयर टूट के नीचे गिर जाए, इंसुलेटर टूट के नीचे गिर जाए, या कोई हैमर नीचे गिर जाए, तो इसकी वजह से हॉपर ब्लॉक हो जाएगा, हॉपर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होगा, जितना सारा आस हॉपर में कलेक्ट होगा वो बाहर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे आस लेवल हाई होता जाएगा। तो ये एक रीजन होता है दोस्तों हॉपर प्लगेज का। सेकेंड रीजन होता है दोस्तों इनप्रॉपर हॉपर इंसुलेशन। तो हॉपर का इंसुलेशन क्यों किया जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा ESP का चैम्बर को हम लोग इंसुलेशन करते हैं, इंसुलेशन से पूरी तरह से कवर किया जाता है, ताकि ESP चैम्बर का अंदर जो गैस टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर मेंटेन रह सके। अगर गैस का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, ESP का एफिशिएंसी के ऊपर अफेक्ट आएगा। सेम उसी तरीके से हॉपर में भी हम लोग इंसुलेशन करते हैं, हॉपर में आस पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं, अगर उसी आस पार्टिकल का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रहेगा तो आस मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से आस वहाँ पर बैठ जाएगा, आस का फ्री फ्लो नहीं होगा। तो अगर आस में मॉइस्चर कंटेंट आ जाए तो आस फ्री फ्लो नहीं होगा, आस वहाँ पे बैठ जाएगा और धीरे धीरे हॉपर को ब्लॉक कर देगा, हॉपर को प्लगेज कर देगा। तो नंबर 3 है दोस्तों, और क्या रीजन हो सकता है, मेंटेनेंस, इनप्रॉपर मेंटेनेंस। अगर हमने मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं करेंगे, जिस समय भी हम लोग ESP का मेंटेनेंस करते हैं, एनुअल शटडाउन के टाइम ज़्यादातर ESP का मेंटेनेंस किया जाता है, तो उस समय अगर हमने ESP का मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं किया होगा तो चांसेस रहता है हॉपर प्लगेज होने का। नंबर 4 है दोस्तों, बॉयलर लीक्स कॉजिंग एक्सेस मॉइस्चर। तो मॉइस्चर आने का और एक रीजन हो सकता है, बॉयलर की तरफ से मॉइस्चर आ जाए। अगर बॉयलर से जो हमारा जो गैस फ्लो हो रहा है उसी गैस में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट आ जाएंगे तो उसकी वजह से भी आस पार्टिकल बैठ जाएगा, आस का फ्री फ्लो नहीं होगा, आस पार्टिकल में मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा और आस वहाँ पर बैठ जाएगा। और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, आस कन्वेइंग सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग हो जाए, यानी आस का जो डिस्चार्ज लाइन रहता है वो अगर उसी डिस्चार्ज लाइन में कहीं पे कुछ माल फंक्शनिंग आ जाए, गैस्केट लीकेज हो जाए, ब्लोअर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सोलेनोइड वाल्व में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आस वहाँ से फ्री फ्लो नहीं होगा, आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, वहाँ पर बैठ जाएगा, तो ESP हॉपर प्लगेज होने का चांसेस रहता है। और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, अगर हॉपर में वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर अगर काम नहीं कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हॉपर प्लगेज होने का चांसेस रहता है। नंबर 7 है दोस्तों, मटेरियल ड्रॉप्ड इनटू हॉपर फ्रॉम बॉटल वेट्स। अगर ESP चैम्बर का कोई मटेरियल
हपर में गिर जाए तो उसकी वजह से भी हपर ब्लॉक हो जाता है, हपर प्लॉगेज हो जाता है। नंबर 8 है दोस्तों सोलेनोइड टाइमर मालफंक्शनिंग। अगर टाइमर सर्किट है वहाँ पे या सोलेनोइड मालफंक्शनिंग करे तो उसकी वजह से भी हपर प्लॉगेज हो जाता है। नंबर 9 ब्लोअर फिल्टर नॉट चेंज्ड। अगर ESP का मटेरियल डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज ब्लोअर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लोअर होता है मतलब उसका फिल्टर रहता है, अगर उस फिल्टर का हम लोग मेंटेनेंस नहीं किए होंगे, फिल्टर को रिप्लेस नहीं किए होंगे, उसी फिल्टर को बीच बीच में उसका मेंटेनेंस किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है, अगर उसको रिप्लेस नहीं किए होंगे तो उसकी वजह से भी हपर प्लॉगेज होने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों हपर प्लॉगेज होने से ESP का एफिशिएंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? जी हाँ दोस्तों, ESP का एफिशिएंसी रिड्यूस होगा, ESP बार बार शॉर्ट सर्किट में ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों ESP प्लॉगेज हुआ है कि नहीं हम लोग कैसे जानेंगे? दोस्तों ये जो फॉल्ट है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है और इसका जो सिम्टम्स आएगा कंट्रोलर बार बार ट्रिप हो जाएगा। कौन सा फॉल्ट में ट्रिप होगा? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में ट्रिप होगा। तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हुआ है। आप लोग फील्ड को मेजर करेंगे लेकिन मेजर वैल्यू आपका सही आएगा, लेकिन जब भी आप फील्ड को चार्ज करेंगे तो फील्ड आपका शॉर्ट सर्किट में ट्रिप होगा। जैसा मैं बोला दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक फॉल्ट है, ये फॉल्ट शुड बी अवॉइडेड। हपर का डिस्चार्ज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं ये आपको देखना चाहिए। हपर का डिस्चार्ज वाल्व बंद हो जाए, डिस्चार्ज लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो हपर प्लॉगेज होने का चांसेस बढ़ जाता है और ये हपर प्लॉगेज ESP को ख़राब कर देता है, ESP का अलाइनमेंट को बिगाड़ देता है, उसका डिस्चार्ज वायर कलेक्टिंग प्लेट को ये ख़राब कर देता है। स्पार्किंग की वजह से ESP चैम्बर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों करेक्टिव एक्शन हमको क्या लेना है? करेक्टिव एक्शन आपको यही लेना है कि आपको प्रॉपर फ्लो आस सही तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं वो आपको देखना है। प्रॉपर फ्लो मेंटेन होना चाहिए, ESP चैम्बर के अंदर आपका मॉइस्चर पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, ESP चैम्बर के अंदर वाटर कंटेंट मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। ESP का डोर को आप लोग सही तरीके से बंद कीजिए, जितना सारा मैनुअल रहते हैं या सेफ्टी डोर रहते हैं सेफ्टी डोर को सही तरीके से बंद कीजिए, क्योंकि चांसेस रहता है अगर सेफ्टी डोर ओपन रहेगा तो उसी के जरिए भी बाहर का एयर ESP चैम्बर के अंदर जाएगा, आस में मॉइस्चर कंटेंट हो जाएंगे तो आस पार्टिकल हॉपर पे बैठ जाएगा, फ्री फ्लो नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर फ्लो ऑफ आस को आप देखिए, अगर आस प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है तो कुछ भी रीजन हो सकता है, जितना सारा मैं रीजन आपको बोला उन सारे रीजन को आप चेक कीजिए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना है दोस्तों? प्रिवेंटिव मेजर्स ये लेना है कि जब भी ESP का शॉट डाउन हो रहा है, जब भी आप ESP फील्ड में काम कर रहे हैं तो हॉपर को सही तरीके से मेंटेन कीजिए। हॉपर का जो हीटर है हीटर को आप चेक कीजिए, बार बार चेक कीजिए, उसका थर्मल इंसुलेशन को आप लोग चेक कीजिए, मॉइस्चर उसका अंदर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मेरे साथ अंत तक रहने के लिए, मेरे साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बुलबुल।